नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक चिली बनाएंगे, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक चिली बनाने के लिए मैंने यहाँ चार अंडे एक बॉयलर में लिए हैं। इसे हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, दो चम्मच मैदा, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लिया है। अब हम बॉल में मैदा, कॉर्नफ्लोर, कश्मीरी लाल मिर्च, गोल मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पैन में तेल को गरम कर लेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। यह गोल्डन कलर का हो गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस बचे हुए तेल में लहसुन और मिर्ची, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे डालकर हम एक मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च, जिसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है, मिक्स करेंगे। इसमें नमक डालेंगे और इसे एक से दो मिनट तक हम और पकाएंगे। अब हम इसमें दो चम्मच टमाटो केचप, दो चम्मच चिली सॉस, दो चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच विनेगर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पतला घोल बनाएंगे। और इसे एक मिनट तक पकाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें अपने अंडे को डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये बन गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये एक चिली बिल्कुल तैयार है।